इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। निर्विरोध चुनी गई भाजपा की गायत्री शर्मा बनी प्रथम नागरिक। बेहद चुनौतीपूर्ण एवं आपसी खींचतान के बीच भाजपा ने वो कर दिखाया जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। जमीन से जुड़ी हुई पार्षद को क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जनसेवा की कसौटी पर रखा और उम्मीद से परे जाकर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध घोषित करवाते हुए गायत्री शर्मा को नगर का प्रथम नागरिक होने का सम्मान दिलाया। बताया जाता है कि नगर पालिका के चुनाव के लिए 22 पार्षद भाजपा के चुनकर आए थे। यहां पार्षदों के चुनाव के साथ ही भाजपा में दो फाड़ हो गए, लेकिन इस डैमेज को मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने संभाला और जमीन से जुड़ी हुई वार्ड क्रमांक 25 से नवनिर्वाचित पार्षद गायत्री शर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए गायत्री शर्मा न केवल भावुक नजर आई, बल्कि उन्होंने शहर को, जनता, नगर पालिका के पार्षद और अपनी नेता यशोधरा राजे सिंधिया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वो क्षेत्र की जनता के लिए सड़कों पर रहकर कंधे से कंधा मिलाकर सदैव काम करती रहेंगी, बल्कि वो अपनी नेता श्रीमती राजे के साथ जनसेवा के कार्य में अपना योगदान देते हुए सदैव उनके साथ रहेंगी। जिला ब्यूरो गणेश सोनी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। अब कैसा अनुभव कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि मेरे भाई बहन, इस शहर के सारे बासिंदाओं ने मुझे जो प्रेम और स्नेह और जो मुझे पे विश्वास जताया है, मैं उसकी कायल हूँ और ऋणी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और श्रीमंत महाराज साहब की तो जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। मैं उनकी कार्यकर्ता थी, वो मुझे ऐसी जगह से लेके आई और उन्होंने मुझे जो सिखाया जीवन का और इतना आगे बढ़ाया, मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद के लायक हूँ। लेकिन महाराज साहब ने जो मेरे साथ किया, जो मुझे उन्होंने क्या लगा, वो मेरी इष्ट है, वो मेरी महाराज है और उन्होंने तो बहुत लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मुझे भी इस तरह से किए। मैं उनको कभी भविष्य में निराश नहीं होने दूंगी। उन्होंने जो मेरे साथ इस शहर को जो देने के लिए, विकास देने के लिए मुझे चुना है, मैं उस पर खरी उतरने का प्रयास करूंगी पूरा। कभी उनको दुखी नहीं करूंगी, निराश नहीं करूंगी। मेरी शिवपुरी की जो पब्लिक है उसको भी कभी निराश नहीं करूंगी, हमेशा उनके कंधे से कंधा लगा के रोड पे खड़ी रहूंगी। आपको उम्मीद थी? उम्मीद थी आपको? क्या वजन रहेगा? मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं थी तो आपके बार बार आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ये तो खुशी की, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल। भानु भैया ने जो त्याग किया है, अब मैं तो पता कल तक भी ये सोच रही थी कि भैया बनेंगे। अच्छा, अब आपके विकास में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले आप कौन से विकास को गति देना चाहेंगी? सबसे पहले जो वार्डों में छोटी छोटी समस्याएं, बुजुर्ग महिलाओं की, बच्चों की, अपंग लोगों की, मैंने वार्ड में, क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी रही हूँ, तो मैंने वार्डों में देखा है कि जो गरीब निचले तबके के लोग हैं, वहाँ जो वृद्ध माएँ, विधवा माएँ, जो बहन बेटियां हैं, उनके लिए नगर पालिका से जितनी भी सुविधाएं मिल सकेंगी मैं उनको पहले मुहैया कराना चाहूंगी। फिर उसके बाद नालियां, स्वच्छता, सड़क और फिर मेरी महाराज है जो मुझे आदेश देंगी विकास के लिए, मैं उस पर चलती रहूंगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।